हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि प्राइवेट कॉलेज की वीडियोस चल रही हैं कंटिन्यू, तो आरकेडीएफ की बन चुकी है। आप इससे पहले आरकेडीएफ की आज डल चुकी है वीडियो, देन चिरायू की बन चुकी है, पीपल्स की बन चुकी है। जितने स्टूडेंट्स ने कमेंट्स करें सारी वीडियोस बन चुकी हैं। ये एलेन की भी वीडियो स्टूडेंट्स ने कमेंट्स करे, सर एलेन मेडिकल कॉलेज है। बहुत कम स्टूडेंट्स को नोन है ये एलेन मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है और कैसा कॉलेज है, उसके बारे में पूरी डिटेल से आपको बताया जाएगा। और एक चीज़, अभी जो मैंने एक वीडियो बनाई, आपने लास्ट टाइम देख चुके होंगे कि अभी जो है आपकी काउंसलिंग कैंसिल हो चुकी है। अभी जब तक ऑल इंडिया की जो है काउंसलिंग स्टार्ट की शेड्यूल नहीं आएगा, जब तक जो है आपकी जो है जो शेड्यूल आया था वो पूरा कैंसिल कर दिया गया है, जब तक फिर एमपी की जो है काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होगी। बहुत से स्टूडेंट का कमेंट्स भी आ रहे हैं, सर अच्छा हुआ कि ऑल इंडिया की पहले होनी चाहिए थी, देन एमपी की जो है बाद में होनी चाहिए। हाँ, तो बेटर है जो अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग में सोचें, पॉजिटिव रह के सोचें तो बेटर रहे। ये भी बेटर हुआ कि आपकी जो है ऑल इंडिया के बाद एमपी की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तो बेटर है ये कॉलेजेस लेने के लिए। स्टूडेंट्स को अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे। बट ये था कि बहुत लेट हो चुके हैं वो आप लोग, जितने भी जो 2021 के स्टूडेंट्स जिन्होंने दिए हैं, वो ऑलमोस्ट जो है रिजल्ट भी लेट आया था, देन उसके बाद फिर काउंसलिंग भी 2 महीने हो चुके थे आने के। तो फिर अब जो काउंसलिंग हो रही थी, ये फिर अब देखिए कितना लेट होती है। ऑल इंडिया की लग तो रहा है 2 से 3 दिन में काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए। जैसे ही होगी तो बिल्कुल आपको बताया जाएगा, चैनल पर बने रहेंगे आप। तो बात करते हैं एलएन सिटी की। सॉरी, एलएन सिटी तो इसका मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज है, बट मेडिकल जो है ये इसका एलएन मेडिकल कॉलेज है। तो एलएन मेडिकल कॉलेज को इंट्रोड्यूस करते हैं, कब इस्टेब्लिश हुआ था, देन कॉलेज कहाँ पर है। भोपाल में लोकेटेड है कॉलेज, और एलएन सिटी जो कॉलेज है 8 साल हो चुके हैं इस कॉलेज को। और ये जैसे मैंने बताया था कि एमसीआई से अप्रूव होना चाहिए, तो ये एमसीआई से जो है अप्रूव है कॉलेज, रिकॉग्नाइज है मेडिकल कॉलेज वहाँ से। सो बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में आप देख पा रहे हैं कि जो कॉलेज है एलन मेडिकल कॉलेज, ये 8 साल पहले जो है ओपन हो गया था, देन एमसीआई से भी रिकॉग्नाइज है कॉलेज है। और जो एम है इस मेडिकल कॉलेज का, एलएनएमसी का, तो वो कह रहे वो क्रिएट करना चाहते हैं, मतलब जो ट्रूली ग्लोबल मॉडल के हिसाब से जो है ये मेडिकल कॉलेज एजुकेशन देना चाह रहे हैं। जो भी डॉक्टर यहाँ से जो पास आउट हो, वो एडवांस और इंसेंटिव मेडिकल केयर के जो कैपेबिलिटी हो उनके अंदर, तो प्रॉपर यहाँ पर उस तरीके से एटमॉस्फेयर दिया जाता है यहाँ पर। क्रिटिज़म में कैसे आप हैंडल करें आपको, और देन किस तरीके से आपको प्रैक्टिकल्स स्किल दी जाए, तो यहाँ ओवरऑल इन्होंने पूरा कवर करा है एजुकेशन में। एंड देन हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ में भी यहाँ पर अच्छा रोल है, एक्टिव हैं ये लोग उस चीज़ में भी। तो बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, साइलेंट फीचर हैं इसके अंदर भी, तो इंट्रोड्यूस करा है इन्होंने एलएन में। देन बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बेड है यहाँ पर, जो हॉस्पिटल की जो कैपेबिलिटी है यहाँ पर, 750 बेड्स की है यहाँ पर। और टीचिंग जो है जितने भी हैं एक्सपीरियंस हैं टीचर्स हैं यहाँ पर, फैकल्टीज जितने भी आपको मिलेंगे अच्छे मिलेंगे। और केस स्टडी बेस पे टीचिंग होती है, मीन्स आपको जो है प्रैक्टिकली जो है टीचिंग दी जाएगी यहाँ पर। कोई केस लेके पेशेंट का केस लेते हैं, देन उसके बाद उस पर स्टडी करवाते हैं, इसके अंदर टीचिंग देते हैं, तो ये अच्छा रहता है स्टूडेंट्स के लिए। नॉलेजेबल चीज़ रहती है, क्वालिफाई और एक्सपीरियंस फैकल्टी है यहाँ पर। एंड देन यहाँ इक्विपमेंट जो है एंड लेबोरेटरी है, मशीन्स हैं यहाँ, अच्छा जो है अवेलेबल है यहाँ पर एटमोसफेयर। इंटर्नशिप भी जो है यहाँ पर है, जैसे आप 4.5 साल का जैसे आपका होगा, और देन उसके बाद फिर 1 साल इंटर्नशिप आप इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। और जो नॉलेज आप पॉज करके देख सकते हैं वीडियो को, जो है एड्रेस भी पूरा प्रॉपर देख के रखा है, भोपाल में किस लोकेशन पे है ये, कोलार रोड पे है भोपाल के लोकेशन में। देन इस्टेब्लिश जैसे मैंने बताया था आपको, 2009 में इस्टेब्लिश हो चुका है, एफिलेटेड है इसकी खुद यूनिवर्सिटी है, एनएनसीटी की यूनिवर्सिटी भोपाल, तो वहाँ से एफिलेटेड है ये। कोर्स जो है एमबीबीएस एमडीबी है इसमें, पीजीबी कोर्सेज हैं, एमएस कोर्सेज भी हैं इसके अंदर। सेशन जो स्टार्ट का जैसे इसमें लिखा हुआ आपका कि 8 फरवरी, मतलब फरवरी से एमबीबीएस का हो जाता है स्टार्ट। एंड देन लास्ट टाइम जो सेशन का बता रहे हैं, एंड देन जो है पीजी वालों के लिए अगस्त में हो जाता है।
एंड देन बात करें हॉस्टल की, तो मेल और फीमेल का सेपरेट हॉस्टल है। देन पेशेंट फ्लो, उन्होंने बताया कि तकरीबन जो है 1000+ जो है पेशेंट का फ्लो है यहाँ पर, तो इजीली रहता है स्टूडेंट्स को लर्निंग करने के लिए इसके अंदर। रेटिंग भी आप देख सकते हैं, रेटिंग भी दी है 5 में से 4.1 रेटिंग है। ऑलमोस्ट सारे प्राइवेट कॉलेजेस के हिसाब से रेटिंग इसकी 4.1 है। सीट की बात करें तो सिमिलर जैसे सारे मेडिकल प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं एमबीबीएस के, उसी के हिसाब से सीट्स हैं इसके अंदर भी। 150 सीट्स हैं और 127 जनरल वालों के लिए, एंड देन 23 जो है एनआरआई कोटाज जो होते हैं उससे आते हैं उन लोगों के लिए। ड्यूरेशन भी 5.5 करेगा इंटर्नशिप के साथ। हॉस्टल की बात करें तो अच्छी हॉस्टल में सुविधा है इसके अंदर। वार्डन वगैरह जो है यहाँ पर 24/7 जो अवेलेबल रहेंगे आपके पास बॉयज़ और गर्ल्स में। एंड देन जो है सिक्योर जो होगा कैंपस रहेगा इसमें, आपको स्टूडेंट्स को हर चीज़ में हेल्प दी जाएगी। अगर आपको पढ़ना है वहाँ पर, स्टडी करना है सेल्फ स्टडी, तो उस टाइप का भी आपको जो है हॉस्टल साइड में माहौल रहेगा। और जो है आपका जो है अफोर्डेबल जो है आपको वो यहाँ कंफर्टेबल दिया जाएगा, लाइक अ होम जैसे इन्होंने लिखा है यहाँ पर, आप पॉज करके देख सकते हैं। तो हॉस्टल ओवरऑल जो है इन्होंने बताया है कि कंफर्टेबल रहेगा आपके लिए। हॉस्टल की जो फीस है वो 75,000 से लेके 1,75,000 तक है। तो ये डिपेंड करेगा आपके हॉस्टल्स, आपके रूम्स पे, किस टाइप के आपके रूम लेना है। एसी नॉन एसी भी हैं, 24/7 वाईफाई वाले रूम भी हैं इसके अंदर। देन हाइजीन का ख्याल रख के न्यूट्रिशन फूड्स प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ पर। मेज़ वगैरह में 4 टाइम मील जैसे चलता है वो मिलेगा आपको। देन यहाँ न्यूज़पेपर वगैरह जैसे मैंने बताया था लाइब्रेरीज़ में वगैरह में, देन हॉस्टल्स में जो है यहाँ मैगजीन्स न्यूज़पेपर जो है आपको इजीली मिल जाएगी यहाँ पर। हॉस्टल्स में आपको एलईडी वगैरह मिल जाएंगे यहाँ पे। एंटरटेनमेंट के लिए भी बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पे, और स्पोर्ट्स क्लब्स भी हैं। स्पोर्ट्स में भी आप देख सकते हैं अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। फिज़िकल हेल्थ पे ध्यान रखते हुए यहाँ पर भी जो है स्पोर्ट्स में आपको ग्राउंड्स वगैरह में जो है आपको स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ होंगी यहाँ पर। देन लाइब्रेरी की बात करें तो लाइब्रेरी भी जो ऑक्यूपाइड है, अच्छी लाइब्रेरी है यहाँ पर भी। मिशन जो है इनका एजुकेटेड द रिसर्च समथिंग, जो रिसर्च के साथ साथ एजुकेशन देने का है। तो लाइब्रेरी में भी जो आपको रिसर्च टाइप की जो है बुक्स हैं वो अवेलेबल होंगी। तो स्लाइड ख़त्म हो चुकी है। आई थिंक लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, हॉस्टल फीस, सीट्स सब इसमें कवर हो चुका है इंट्रोडक्शन। तो जो भी स्टूडेंट ने एलन का कहा था वो बिल्कुल देख सकते हैं इसको, इन्फॉर्मेशन जो दी है ये प्रॉपर है आई थिंक एलन के हिसाब से ये। देन आगे बने रहें, और भी आपको कोई जानकारी चाहिए हो और मैसेज करें, बिल्कुल जो है कमेंट्स करें, तो बिल्कुल आंसर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।